आप सभी देख पा रहे हैं, मैं अभी गवर्नमेंट सेंटर प्राइमरी स्कूल शील में खड़ा हूँ और मैं आप लोगों को अपने स्कूल की एक नई अचीवमेंट से रूबरू करवाना चाहूँगा। देखिए हमारा स्कूल कितना स्मार्ट लग रहा है और इसके साथ साथ हमारे पास देखिए जो हमारी ये फुलवारी है, इसमें जो फूलों की जो हरियाली है ये भी बहुत ही खूबसूरत है। मैं आप लोगों को अपने विद्यालयों में नई अचीवमेंट से रूबरू करवाने जा रहा हूँ कि हमारे पास स्मार्ट क्लासेस के लिए जो आपको बोर्ड बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें स्मार्ट क्लासेस शुरू होने जा रही है। और देखिए यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस के लिए हमारे पास एक बोर्ड आपको नज़र आ रही है और एक साथ ही साथ इसके साथ एक स्मार्ट LED है जिस पे हमारी स्मार्ट क्लासेस सुचारू रूप से चलेगी और बच्चों को इसका भरपूर फ़ायदा होगा। और ये 65 इंच की स्क्रीन है और इसके साथ साथ हमें और एक डिपार्टमेंट की ओर से प्रिंटर प्रोवाइड किया गया है। और अब हमारा स्कूल अब पूरी तरह से मेरे ख्याल से स्मार्ट बन चुका है। जहाँ तक मुझे लगता था कि हमारा स्कूल स्मार्ट है तो हम काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कि हमारे स्कूल में अगर ये चीज़ होती तो बहुत अच्छा होता, पर आज हमारे स्कूल में ये चीज़ हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से मुहैया करवाई गई है, प्रोवाइड की गई है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि भाई हमारे स्कूल में इस तरह की चीज़ मिल रही है। और हमारे पास वैसे हर तरह की फैसिलिटीज़ अब, और साथ ही साथ अब पेरेंट्स को भी मेरा एक मैसेज है, इस जो हमारे पास इतना सारा यहाँ पर फैसिलिटीज़ है, सभी पेरेंट्स से मेरा आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों को आप गवर्नमेंट स्कूल की ओर कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। जहाँ तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम पेरेंट्स की ये डाउट्स होते हैं, ये टेंशन होती है कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स नहीं होते हैं और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, अकोमोडेशन नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से अगर हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करें तो इस तरह से हमारे पास बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ टीचर्स भी आ सकते हैं। ये तो हम लोगों को पहले ही पता है कि स्कूल्स में बच्चों और टीचर्स का रेशो बना होता है। अगर हमारे पास बच्चे ज़्यादा हो गए तो ऑब्वियस ही बात है टीचर्स भी मिलेंगे, अगर बच्चे ही नहीं हैं तो टीचर्स कहाँ से आएंगे। ये तो हम लोगों को सभी को सोचना पड़ेगा। इसीलिए मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि आप सभी लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स की ओर भेजें। वैसे तो हमारे विद्यालयों में अभी तक भी स्मार्ट क्लासेस चलती थी लेकिन वो स्मार्ट LED के माध्यम से चलती थी, और अब हमारे पास जो डिपार्टमेंट की ओर से इतना अच्छा यंत्र मिल चुका है तो इससे हम बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मेरा सभी आम लोगों से आग्रह रहेगा कि प्लीज़ अपने बच्चों की एडमिशन गवर्नमेंट विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल हो सकती है। हमारे पास जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो दिन हर साल बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास नेक्स्ट ईयर और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है और हो सकता है इससे भी ज़्यादा हम स्कूल में कुछ और नए कार्य करेंगे। जो ये सिस्टम है इसको इंस्टॉल करने में लगभग एक हफ्ते का समय लग जाएगा, उसके बाद हम इसका डेमो आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो लाइक और सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।